बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम ऑपरेशंस एंड प्रोडक्शन मैनेजमेंट के एक नए लेक्चर के साथ हाजिर हैं। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल का टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें हमने प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल का ओवरव्यू लिया। उसके बाद हमने प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल दोनों को सेपरेटली डिस्कस किया, उनके कुछ एडवांटेजेस देखे, और उसके बाद हमने कुछ टूल्स या कुछ एलिमेंट्स का जिक्र किया था जो प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल में यूजफुल रहते हैं हमें प्रॉपरली प्रोडक्शन को प्लान करने एंड देन उसको फिर कंट्रोल करने के लिए। तो उसमें हमने पहला एलिमेंट डिस्कस किया था जो राउटिंग था, जिसमें हमने राउटिंग को डिफाइन किया, उस राउटिंग के कुछ ऑब्जेक्टिव्स देखे, और फिर हमने राउटिंग के कुछ स्टेप्स देखे जिनको राउटिंग टास्क भी कहा जाता है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू डिस्कस सेकंड एलिमेंट ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, एंड दैट इज शेड्यूलिंग। शेड्यूलिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क दैट हैज टू बी परफॉर्म्ड बीइंग एन ऑपरेशन और प्रोडक्शन मैनेजर। शेड्यूलिंग कैन बी डिफाइंड एज प्रिस्क्राइबिंग ऑफ व्हेन एंड वेयर ईच ऑपरेशन नेसेसरी टू मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट इज टू बी परफॉर्म्ड। अगर आपको याद हो, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल में हमने जनरल जब ओवरव्यूज का लिया था, तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल में क्या क्या चीज़ें हैं, कि हमने क्या क्या टास्क करना है, किस तरह से करना है, कब करना है और कहाँ पे करना है। तो उसमें जो कब और कहाँ वाला पोर्शन है, डैट इज एक्चुअली शेड्यूलिंग। व्हेन एंड वेयर ईच ऑपरेशन हैज टू बी परफॉर्म्ड उस कंप्लीट प्रोडक्शन प्रोसेस में, कौन सा टास्क, कौन सा ऑपरेशन कब परफॉर्म करना है, किस जगह पे करना है, यानी किस स्टेज पे करना है, दैट इज एक्चुअली शेड्यूलिंग। कोई भी काम हम रूटीन में जब करते हैं तो हम उसकी शेड्यूलिंग करते हैं या उसकी स्केड्यूलिंग करते हैं। जिस तरह आपकी ये अब ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो इसका एक प्रॉपर शेड्यूल है, हमने इसकी शेड्यूलिंग की हुई है कि आपकी, फॉर एग्जाम्पल, 9 बजे क्लास स्टार्ट होगी, 9 से 9:40 तक इस सब्जेक्ट की, 9:40 से 10:20 तक इस सब्जेक्ट की, 10:20 से 11 बजे तक इस सब्जेक्ट की, एंड देन 11 से 11:40 तक इस सब्जेक्ट की। ये हमने शेड्यूलिंग की हुई। इसी तरह वर्क सेंटर्स में प्रोडक्शन करते हुए मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में हम प्रॉपर शेड्यूलिंग कर देते हैं कि कौन सी चीज़ कब परफॉर्म करनी है और कहाँ पे परफॉर्म करनी है, उसके लिए कौन सी मशीन यूज़ होगी, वो मशीन कितनी देर यूज़ होगी, ये सारी चीज़ें हम शेड्यूलिंग में डिसाइड कर देते हैं। इट इज़ आल्सो डिफाइंड एज एस्टेब्लिशिंग ऑफ टाइम्स एट विच टू बिगिन एंड कंप्लीट ईच इवेंट और ऑपरेटिंग और ऑपरेशन कंप्राइजिंग अ प्रोसीजर। कि मैन्युफैक्चरिंग में या अगर हम सर्विस साइड पे हैं, तो कौन सा टास्क, कौन सा ऑपरेशन कब शुरू होगा, कब कंप्लीट होगा, ये शेड्यूलिंग है। कि हमने अगर एक प्रोडक्शन स्टार्ट की है, एक टूल या एक जो प्रोडक्ट है उसको मैन्युफैक्चर करना शुरू किया है, तो वो रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होते हुए कितना टाइम लेगी, किस मशीन पर या किस डिपार्टमेंट में या किस सेक्शन पे वो कितना टाइम लेगी, ये सारी चीज़ें पहले ही डिटेल से हम जो सेट कर देते हैं, प्लान कर देते हैं, ये शेड्यूलिंग होती है। बहुत सारी प्रिंसिपल्स हैं, बहुत सारी बेसिस हैं जिस की बुनियाद पर हम शेड्यूलिंग करते हैं। तो यहाँ पे तीन बेसिक प्रिंसिपल्स हैं शेड्यूलिंग के। पहला है जी प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमम टास्क साइज। प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमम टास्क साइज। Scheduling tends to achieve maximum efficiency when the task size are small and all tasks of same order or magnitude. के ऑप्टिमम टास्क साइज, हम जो मैक्सिमम टास्क अवेल कर सकते हैं किसी मशीन और अपनी रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हुए, ये
शेड्यूलिंग के थ्रू ही पॉसिबल है, और डैट इज़ दी फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ शेड्यूलिंग, कि हम प्रॉपर शेड्यूल करते हुए ऑप्टिमम टास्क साइज जो है उसको अचीव करें, मैक्सिमम एफिशिएंसी अचीव करें। और एफिशिएंसी, अगर आपको याद हो, हमने डिस्कस किया था कि अगर इनपुट्स और आउटपुट्स की जो रेशो निकाली जाती है, जितनी हमने इनपुट दी है, जितना रॉ मटेरियल हमने दिया है, उसके अकॉर्डिंग कितनी आउटपुट हमें मिली है, डैट इज़ एफिशिएंसी। जितनी इनपुट दी है, अगर एग्जैक्टली उतनी आउटपुट हमें मिली है, कोई वेस्ट नहीं है, कोई उसमें स्पॉयल और कोई जो है उसमें ख़राब नहीं हुआ, स्क्रैप नहीं हुआ, तो वो हमारी एफिशिएंसी 100% होगी। तो ये 100% एफिशिएंसी को अचीव करना, डैट इज़ दी फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ शेड्यूलिंग, जिसको हमने प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमम टास्क साइज कहा। सेकंड है प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान। जो प्रोडक्शन प्लान हमने किया है उसकी मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करनी है, डैट इज दी सेकंड प्रिंसिपल ऑफ शेड्यूलिंग, डैट इज सेकंड ऑब्जेक्टिव ऑफ शेड्यूलिंग। द प्लानिंग शुड बी सच डैट इट इम्पोजेज एन इक्वल लोड ऑन ऑल प्लांट्स। ये किस तरह पॉसिबल होगा कि अगर हम प्रॉपर लोड की मैनेजमेंट करेंगे, लोड मैनेजमेंट इसको कहा जाता है, कि हमारे पास जितनी प्लांट्स एंड मशीनरी है और जितनी हमने प्रोडक्शन लेनी है, जितने यूनिट्स प्रोड्यूस करते हैं, उन प्रोडक्शन साइज को इक्वली डिवाइड किया जाता है तमाम प्लांट्स और मशीनरी पे, ताकि उनसे मैक्सिमम आउटपुट ली जा सके उस प्रोडक्शन प्लांट से। थर्ड एंड लास्ट प्रिंसिपल ऑफ शेड्यूलिंग इज प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमम सीक्वेंस। शेड्यूलिंग टेंड्स टू अचीव द मैक्सिमम एफिशिएंसी व्हेन द वर्क इज प्लान्ड सो दैट वर्क आवर्स आर नॉर्मली यूज्ड इन सेम सीक्वेंसेस। यानी जो अभी पहला प्रिंसिपल हमने डिस्कस किया था मैक्सिमम एफिशिएंसी, मैक्सिमम टास्क साइज वाला, वो मैक्सिमम एफिशिएंसी हमें किस तरह से अचीव होती है, अगर हमने पूरा वर्क प्लान किया हो, और किस तरह से प्लान किया हो कि जो वर्क आवर्स हैं, जो वर्किंग आवर्स हैं, जो मशीन के वर्किंग आवर्स हैं, उसको हम सेम सीक्वेंस में यूज़ करें। हमने एक प्रॉपर चार्ट बनाया हो, प्रॉपर शेड्यूलिंग की हो, वो चार्ट या वो शेड्यूल उस प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में बड़ा सा करके लगा हुआ हो, जिसमें प्रॉपरली मेंशन हो कि डेली बेसिस पे कौन सी मशीन कितने घंटे चलेगी और इतने घंटे चल के इतने यूनिट प्रोड्यूस करेगी, और वो सेम सीक्वेंस में हो, सैटरडे मंडे ट्यूसडे वेंसडे, वो सारे दिनों का चार्ट हो और वो सेम सीक्वेंस में सेम लोड होना चाहिए। ये तीन बेसिक प्रिंसिपल्स हैं शेड्यूलिंग के, ठीक है जी। उम्मीद है आपको ये तीनों क्लियर हो गए होंगे, प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमम टास्क साइज, प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान एंड प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमम सीक्वेंस। उसके बाद है इनपुट्स टू शेड्यूलिंग, के प्रॉपर शेड्यूलिंग करते हुए हमें क्या क्या चीज़ें फोकस करनी पड़ती हैं, कौन कौन सी चीज़ें हमारे पास हों, हमने प्लान की हो, तो हम उसको प्रॉपर शेड्यूलिंग में डाल सकते हैं। प्रॉपर शेड्यूलिंग के इंग्रेडिएंट्स आप इसको कह सकते हैं, या इनपुट्स टू शेड्यूलिंग। पहली इनपुट, पहली इंपॉर्टेंट चीज है परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, स्टैंडर्ड टाइम्स ऑफ ऑपरेशन हेल्प्स टू नो द कैपेसिटी इन ऑर्डर टू असाइन रिक्वायर्ड मशीन आवर्स टू फैसिलिटी। परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, जो कि हमने जिस तरह मशीन की प्रॉपर शेड्यूलिंग का भी ऊपर जिक्र किया कि ऑप्टिमम सीक्वेंस के प्रिंसिपल में, वहां पे हमें प्रॉपर मशीन, हर मशीन की प्रॉपर शेड्यूलिंग करनी पड़ती है, ताकि हम उससे जो एक्चुअल कैपेसिटी है वो अचीव कर सकें, यानी एक मशीन को मैक्सिमम यूटिलाइज करके हम जितनी प्रोडक्शन ले सकते हैं वो उसकी टोटल कैपेसिटी होगी। जैसे कि पहले भी हमने जिक्र किया था, पहले भी एक दिन डिस्कस हुआ था कि कैपेसिटी क्या है, कैपेसिटी इज एबिलिटी टू प्रोड्यूस। किस लिए? ताकि जो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन है किसी भी मशीन की, किसी भी प्लांट की, वो ली जा सके। दूसरा, यूनिट्स इन विच लोडिंग एंड शेड्यूलिंग इज टू बी एक्सप्रेस्ड।
लोडिंग एंड शेड्यूलिंग इज टू बी एक्सप्रेस्ड। ऐसे यूनिट्स डिफाइन करने हैं हमने जिसमें हम अपनी लोडिंग को और शेड्यूलिंग को एक्सप्रेस कर सकें। शेड्यूलिंग मींस जो हमने वर्क आवर्स डिवाइड किए हुए हैं, जब टाइम टेबल कह लीजिए बनाया हुआ है कि कितने घंटे काम होगा, किस मशीन पे काम होगा, कितनी देर ये मशीन चलेगी, इतने यूनिट प्रोड्यूस होंगे, और उसकी लोडिंग यानी उस मशीन पे एक्चुअली जब उस पे काम किया जाएगा तो उसके लिए कोई यूनिट्स जो है होना चाहिए, कोई यूनिट होना चाहिए जिसमें हम उसको एक्सप्रेस कर सकें। यूनिट मींस जिस तरह हम अक्सर वेट को ग्राम्स में, किलोग्राम्स में एक्सप्रेस करते हैं, स्पीड को मीटर्स वगैरह में, किलोमीटर्स में या माइल्स पर आवर में एक्सप्रेस करते हैं, हाइट को हम इंचज में या फीट में एक्सप्रेस करते हैं, इसी तरह वी हैव टू डिफाइन सम यूनिट्स टू एक्सप्रेस लोडिंग एंड शेड्यूलिंग। थर्ड है जी इफेक्टिव कैपेसिटी ऑफ वर्क सेंटर। देखिए कैपेसिटी का बार बार जिक्र हो रहा है, मैंने आपको कहा था कि बताया भी था कि नेक्स्ट हम इंशाल्लाह इस टॉपिक को पढ़ेंगे कैपेसिटी को, जिसमें हम कैपेसिटी की डिफरेंट टाइप्स को देखेंगे कि एक्चुअल कैपेसिटी होती है एक जो है वो हमारे पास होती है ये इफेक्टिव कैपेसिटी, इस तरह एक एस्टिमेटेड कैपेसिटी होती है। तो ये मुख्तलिफ होती हैं कैपेसिटीज। अफेक्टिव कैपेसिटी एक्चुअली वो कैपेसिटी होती है हमारे वर्क सेंटर की, वर्क सेंटर मींस हमारी मशीनरी की, जो मशीन को प्रॉपर यूटिलाइज करते हुए हमें नुकसान ना हो, फायदा हो रहा हो, इतने यूनिट्स प्रोड्यूस कर रही हो कोई मशीन, तो वो कैपेसिटी जो है उसकी अफेक्टिव कैपेसिटी कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल हमने प्लानिंग कर ली कि हमारे पास इतनी मशीन्स हैं, हम इन मशीन्स को अगर दिन में इतने घंटे चलाएं तो एक महीने में हम इतने यूनिट प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गई कैपेसिटी जो हमारी एस्टिमेटेड है, जो हमने एस्टिमेट लगाया है कि इतनी कैपेसिटी हमें अचीव करनी चाहिए। अब ये जो कैपेसिटी हमने एस्टिमेटेड है हमारी, ये एक्चुअल में इतनी कैपेसिटी अचीव नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें हमने कोई अनसर्टेनिटी, कोई मशीन खराब हो सकती है, लोड शेडिंग हो सकती है, कोई लाइट का इशू हो सकता है, ऐसी चीजों को हमने कंसीडर नहीं किया। जब ऐसी चीज वाकई हम जब काम करना शुरू करते हैं तो ऐसी कई अनसर्टेनिटीज, कोई गैर यकीनी सूरत हाल का सामना करना पड़ जाता है। उनसे निपटने के बाद जो हमारे पास कैपेसिटी आती है, जो यूनिट्स हमने प्रोड्यूस किए होते हैं, वो हमारी जो है वो एक्चुअल कैपेसिटी होती है। और अगर वो एक्चुअल कैपेसिटी हमें प्रॉफिट में लेके जा रही है तो देन डैट वुड बी कंसिडर्ड अफेक्टिव कैपेसिटी। तो यही यहाँ पर जिक्र कर रहा है कि अफेक्टिव कैपेसिटी ऑफ वर्क सेंटर, वर्क सेंटर्स को, मशीन्स को इस तरह से शेड्यूल करना है, इस तरह से उनकी हमने शेड्यूलिंग और उनका टाइम टेबल वगैरह बनाना है कि हम उनसे अफेक्टिव कैपेसिटी अचीव कर सकें। फोर्थ है जी डिमांड पैटर्न एंड एक्सटेंट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी टू बी प्रोवाइडेड फॉर रश ऑर्डर्स। जी हमारे प्लांट और मशीनरी में हमने जितनी भी शेड्यूलिंग की, जितने वर्किंग आवर्स हमने अलॉट कर दिए हर मशीन को, उन वर्किंग आवर्स में कुछ ऐसी थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी रखनी चाहिए फॉर रश आवर्स, या कोई ऐसी सूरत हाल बन जाती है, कोई अनसर्टेनिटी आ जाती है कि हमें वो काम जो हमने प्लान किया हुआ था 10 दिन में ख़त्म करने का, हमें वो 8 दिन में या हमें वो 7 दिन में या 9 दिन में ख़त्म करना पड़ जाए, तो हम उन मशीन्स को जो हमने प्रॉपर पहले शेड्यूलिंग की थी कि हम फॉर एग्जांपल 8 घंटे चलाएंगे, तो एक मशीन मैक्सिमम एक दिन में अगर 9 घंटे चल सकती है तो हमें 9 घंटे की ही शेड्यूलिंग नहीं करनी, हमें 8 घंटे की करनी है, 7 घंटे की करनी है, ताकि हम 1-1.5-2 घंटे का मार्जिन रख सकें फॉर अनसर्टेनिटी और फॉर रश ऑर्डर्स। ठीक है जी। फिफ्थ है ओवरलैपिंग ऑफ ऑपरेशंस। ऑपरेशंस की जो ओवरलैपिंग होती है वो हमारी कैपेसिटी को या हमारी प्रोडक्शन की जो एफिशिएंसी है उसको डिस्टर्ब करती है, तो ओवरलैपिंग ऑपरेशंस की मिनिमम होनी चाहिए। सिक्स्थ एंड लास्ट इनपुट ऑफ शेड्यूलिंग इज इंडिविजुअल जॉब शेड्यूल्स। जी एक तो शेड्यूलिंग होगी जो हमने पूरे वर्क सेंटर की हुई है, फिर
फिर हमने इंडिविजुअली भी शेड्यूलिंग की होती है जो हर मशीन की, हर मशीन के ऊपर एक टैग लगा के, एक छोटी सी चिट लगा के, एक छोटा सा पेपर हम लगा देते हैं, वो उसमें उस मशीन का डेली का या वीकली शेड्यूल होता है कि मंडे को फॉर एग्जांपल इस मशीन को इतने घंटे चलाया जाएगा और मिनिमम इतने यूनिट्स इसको इतने घंटों में प्रोड्यूस करने चाहिए। तो हर मशीन का या हर बंदे का, हर लेबर का जो डिफरेंट शेड्यूल होता है, तो उसको इंडिविजुअल शेड्यूलिंग कहते हैं, और वो इंडिविजुअल जॉब शेड्यूल भी हमारे पास प्रॉपरली मैनेज होना चाहिए। ठीक है जी, चलें, ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट था शेड्यूलिंग के बारे में, जिसमें हमने शेड्यूलिंग को डिफाइन किया, उसके तीन प्रिंसिपल्स डिस्कस किए, और ये कुछ इनपुट्स, कुछ चीज़ें डिस्कस की जो कि शेड्यूलिंग से पहले हमें तैयार कर लेनी चाहिए। नाउ वी मूव टू शेड्यूलिंग स्ट्रेटजीज, कि शेड्यूलिंग करने की हमारे पास कितनी स्ट्रेटजीज हैं। तो हमारे पास बेसिकली चार स्ट्रेटजीज होती हैं शेड्यूलिंग की। उसमें जो सबसे पहली स्ट्रेटजी है वो है डिटेल्ड शेड्यूलिंग। देखिए, एक बात हमेशा स्टूडेंट्स जहन में रखिएगा कि हम इन बुक्स में जितनी चीज़ें पढ़ रहे होते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें या उसी सीक्वेंस में वो सारी चीज़ें एक्चुअल रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं हो रही होती। अब ये जो शेड्यूलिंग की पहली स्ट्रेटजी है डिटेल्ड शेड्यूलिंग, ये बहुत कम चांसेस होते हैं कि हम इस स्ट्रेटजी को अपनाएं और इस स्ट्रेटजी को हम प्रैक्टिस में ला सकें, क्योंकि डिटेल्ड शेड्यूलिंग में हर जॉब की, स्पेसिफिक जॉब की या इंडिविजुअल जॉब्स की शेड्यूलिंग, और उसी शेड्यूल को फिर कैरी करना, उसी शेड्यूल के मुताबिक काम को चलाना, ये हमारी रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं होता। उसमें बहुत सारे कोई रश ऑर्डर्स आ सकते हैं, कोई कस्टमर जो है उसकी तरफ से कोई ऑर्डर्स में कोई कमी पेशी हो सकती है। तो इनफैक्ट डिटेल शेड्यूलिंग इज नॉट प्रैक्टिसेबल इन एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग सिचुएशन और इन रियल लाइफ। चेंजेस इन ऑर्डर्स, इक्विपमेंट ब्रेक डाउन एंड अनफॉरसीन इवेंट्स डेविएट द प्लान। जी, जिस तरह शुरू में अभी थोड़ी देर पहले मैंने जिक्र किया जब कैपेसिटी का पढ़े थे, कि बहुत सारी अनफॉरसीन चीज़ें होती हैं, बहुत सारे ऑर्डर्स में चेंज हो सकता है या इक्विपमेंट ब्रेक डाउन, कोई मशीन ख़राब हो सकती है। तो इसलिए हम डिटेल्ड शेड्यूलिंग को प्लान तो कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअली उस प्लान्ड डिटेल शेड्यूलिंग को उसी तरह से एग्जीक्यूट करना पॉसिबल नहीं होता। सेकंड टाइप है जी कम्युलेटिव शेड्यूलिंग। कम्युलेटिव शेड्यूलिंग ये पॉसिबल होती है, ये ज़्यादा प्रैक्टिसेबल है, क्योंकि इसमें हम इंडिविजुअल जॉब्स या इंडिविजुअल मशीन्स को शेड्यूल नहीं करते, यानी डिटेल्ड में शेड्यूलिंग नहीं कर रहे होते, हम एक ओवरऑल शेड्यूल तैयार कर देते हैं टोटल वर्क सेंटर का, टोटल वर्कलोड का, कि हमें टोटल वीक में, एक मंथ में इतने यूनिट्स चाहिए, दैट्स इट। उसमें हमने इंडिविजुअल में ज़्यादा डिटेल में नहीं गए कि इस मशीन को इतने घंटे चला के इससे इतने यूनिट लेने हैं, दूसरी से इतने ये लेने हैं, तीसरी से इतने लेने हैं, ये दो लोग इतने घंटे काम करेंगे, ये दो लोग फलाने दिन इतने घंटे काम करेंगे। ये डिटेल्ड शेड्यूलिंग है जो कि अभी हमने कहा कि ये पॉसिबल नहीं होती रियल लाइफ में, इसको प्रैक्टिस करना बहुत मुश्किल होता है। तो रियल लाइफ में जिसको प्रैक्टिस किया जाता है, डैट इज़ एक्चुअली कम्युलेटिव शेड्यूलिंग, जिसमें हम एक ओवरऑल पूरे वर्कलोड का, पूरे वर्क सेंटर का हम बना लेते हैं टाइम टेबल या शेड्यूल। कम्युलेटिव शेड्यूलिंग ऑफ टोटल वर्कलोड इज यूजफुल स्पेशली फॉर लॉन्ग रेंज प्लानिंग ऑफ कैपेसिटी नीड्स। दिस मे लोड द करंट पीरियड एक्सेसिवली एंड अंडर लोड फ्यूचर पीरियड्स। इट हैज सम मीन्स टू कंट्रोल द जॉब्स। थर्ड है जी कम्युलेटिव डिटेल्ड, जो कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। कम्युलेटिव डिटेल्ड कम्बिनेशन इज बोथ फिजिबल एंड प्रैक्टिसेबल अप्रोच इफ मास्टर शेड्यूल हैज फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल पोर्शन। देखिए, इस शेड्यूलिंग को चाहे वो डिटेल्ड हो, चाहे कम्युलेटिव हो, या चाहे दोनों को मिला के आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जो इन शेड्यूलिंग को प्रॉपरली
एग्जीक्यूट करने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है फिक्स्ड प्लान्स, कि आपके जो प्लान है वो लॉन्ग रेंज प्लान हो, उसमें डे टू डे चेंजेस ना आ सके। कि आपको पता है कि हमने ये ऑर्डर मिल गया, इस ऑर्डर को हमने इस मंथ में कंप्लीट करना है, बस डेट्स इट, उसमें दरमियान में उसमें कोई किसी किस्म की चेंजेस नहीं होनी चाहिए। कि आपने प्रोसेस शुरू कर दिया, उस ऑर्डर पे काम शुरू कर दिया, उस पे काम हो रहा है, तो ड्यूरिंग दी वर्किंग उसमें चेंजेस के आ जाता है कस्टमर की तरफ से कि जी नहीं इतने नहीं, इतने यूनिट प्रोड्यूस करें या इसके डिज़ाइन में कोई चेंज कर दें। तो जब कोई ऐसी चेंज की ऑफर होगी, चेंज की डिमांड होगी, तो देन हमारी शेड्यूलिंग स्ट्रेटजी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो कोई भी शेड्यूलिंग स्ट्रेटजी आप अपना रहे हैं, उसके लिए आपके पास प्लान, लॉन्ग रेंज प्लान होना चाहिए और वो फिक्स होना चाहिए, उसमें जो चेंजेस हैं वो उसके चांसेस कम होने चाहिए। या आप फिर उस प्लान को इतना फ्लेक्सिबल रखें कि अगर उसमें कोई माइनर सी थोड़ी बहुत चेंजेस की जरूरत पड़ती है तो आप वो चेंजेस कर सकें विदाउट डिस्टर्बिंग योर शेड्यूलिंग स्ट्रेटजी। जी क्लियर हो गई ये तीनों स्ट्रेटजीज। लास्ट फोर्थ स्ट्रेटजी है शेड्यूलिंग की, प्रायोरिटी डिसीजन रूल्स। प्रायोरिटी डिसीजन रूल्स जिसमें डिटेल या कम्युलेटिव का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, बस प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग है कि उसमें फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बेस पर भी शेड्यूलिंग की जा सकती है और ऑर्डर के साइज की बेस पर भी शेड्यूलिंग की जा सकती है, कस्टमर की बेस पर भी शेड्यूलिंग की जा सकती है कि ये कस्टमर हमारा ज़्यादा लाडला है या ये पुराना कस्टमर है, हम इसका ऑर्डर पहले करेंगे, उसकी उस हिसाब से शेड्यूलिंग कर दी, या ये ऑर्डर हमें छोटा मिला है पहले इसको जल्दी से कंप्लीट कर देते हैं, उसका ऑर्डर बड़ा है उसको बाद में करेंगे, इस हिसाब से शेड्यूलिंग कर दी, या ये ऑर्डर पहले आया है ये ऑर्डर बाद में आया है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बेस पर शेड्यूलिंग कर दी। तो ये डिफरेंट जो है ना हमारे पास प्रायोरिटी रूल्स हो सकते हैं जिसकी बेस पर हम डिसीजन लेते हैं कि किस तरह से ये शेड्यूलिंग की जानी चाहिए। तो ये हो गए स्टूडेंट्स हमारे पास शेड्यूलिंग स्ट्रेटजीज, जो कि चार स्ट्रेटजीज हैं हमारे पास। जी स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये चार शेड्यूलिंग स्ट्रेटजीज समझ आ गई होंगी, डिटेल्ड शेड्यूलिंग, कम्युलेटिव शेड्यूलिंग, डिटेल्ड कम्युलेटिव एंड प्रायोरिटी डिसीजन रूल्स। उसके बाद शेड्यूलिंग की टाइप्स हैं जी, देयर आर टू टाइप्स ऑफ शेड्यूलिंग, फॉरवर्ड शेड्यूलिंग एंड बैकवर्ड शेड्यूलिंग। फॉरवर्ड शेड्यूलिंग जो है ये बड़ी कॉमन है, आम तौर पे जो जॉब शॉप और बैच प्रोडक्शन होती है, यानी जो स्मॉल स्केल की मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जहाँ पे ऑर्डर्स जो है वो फिक्स्ड ऑर्डर्स नहीं होते, फिक्स्ड कस्टमर्स नहीं होते, कस्टमर के ऑर्डर की बेस पे रॉ मटेरियल अरेंज करके सारा कुछ किया जाता है, वहाँ पे जो शेड्यूलिंग होती है डेट इज फॉरवर्ड शेड्यूलिंग। फॉरवर्ड शेड्यूलिंग मीन्स के वहां पे जो काम की तरतीब होती है वो ऑर्डर की बेस पर होती है और उस वो एज उसकी जो कंप्लीशन होती है वो एज अर्ली एज पॉसिबल की बेस पर होती है, कोई फिक्स्ड टाइम नहीं होता। यानी अगर कोई ऑर्डर आया है उनके पास, वो अब आप कहीं भी चले जाएं, आप जब किसी को कोई चीज़ बनने के लिए देते हैं, चाहे वो आप कोई सूट खरीद कर दर्जी को सिलने के लिए देते हैं या आपने कोई फर्नीचर बनने के लिए दिया है, तो दोनों जगह पे आप जब जाएंगे तो आपके पास आपका एक ही क्वेश्चन होगा उस दर्जी से भी और उस फर्नीचर बनाने वाले से भी कि ये मुझे कब तक मिलेगा। अब जो जॉब शॉप और जो बैच प्रोडक्शन छोटे लेवल की प्रोडक्शन होती है वहाँ पर उनका जवाब यही होता है कि जी कोशिश तो ये है कि जितनी जल्दी हो जाए, एज सून एज पॉसिबल, आप फलाने दिन पता कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन जब आप किसी बड़ी इंडस्ट्री, बड़ी असेंबली लाइन, या फॉर एग्जांपल आपने फर्नीचर ही ऑर्डर किया है और वो किसी बड़े ब्रांड को जो कि प्रॉपर जिनका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, प्रॉपर जो शेड्यूलिंग के साथ चलते हैं, जिस तरह गुजरात में कई बड़े बड़े नाम हैं हमारे गुजरांवाला में,
जो है वो नाम है, जिस तरह वुडको फर्नीचर्स है कुचरावाला में, आप वहाँ पे चले जाएं। वहाँ पे जाके जब आप ऑर्डर प्लेस करेंगे तो आपको पूछने की ज़रूरत भी नहीं होगी, वो अपनी टाइम स्लॉट को देखते हुए आपको एक एंड डेट देंगे कि आपका ऑर्डर जो है वो, फॉर एग्ज़ाम्पल आज आपने ऑर्डर प्लेस किया है तो वो कहेंगे जी आपको जो डिलीवरी है वो फॉर एग्ज़ाम्पल 10 जून को होगी, 2 माह का टाइम उन्होंने दे दिया, 10 जून को आपको इसकी डिलीवरी होगी। तो वो बैकवर्ड शेड्यूलिंग है कि एंड डेट उन्होंने पहले ही बता दिया आपको, जो लास्ट डेट है उस डेट के हिसाब से वो अपना शेड्यूल तैयार करते हैं। डेट इज़ एक्चुअली बैकवर्ड शेड्यूलिंग कि वो 10 जून से शेड्यूल तैयार करते करते पीछे आते हैं आज की डेट तक और उस पे काम करना शुरू कर देते हैं। जबकि वो जो जॉब शॉप वाला था जो फॉरवर्ड शेड्यूलिंग है, उसने आज से ही काम शुरू किया और वो फॉरवर्ड चलता जा रहा है, कोई पता नहीं उसका काम 2 दिन में ख़त्म होना है, 3 दिन में होना है, 4 दिन में होना है, उसने एक एस्टिमेटेड बस कह दिया कि आप उस दिन पता कर लीजिएगा, उस दिन हो गया होगा तो मिल जाएगा, नहीं होगा तो कल या एक और 1-2 दिन और का कह देगा। तो डैट इज फॉरवर्ड शेड्यूलिंग और बैकवर्ड शेड्यूलिंग, ये 2 टाइप्स हैं। इसको आप पढ़ेंगे इन दोनों को तो आपको जो है वो क्लियर हो जाएगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो आप फिर इनकी रीडिंग करके पूछ सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद लास्ट है शेड्यूलिंग मेथडोलॉजीज। अब देखें, हमने पहले शेड्यूलिंग को डिफाइन किया, उसके बाद हमने शेड्यूलिंग के कुछ ऑब्जेक्टिव देखे, फिर हमने देखी कुछ चीज़ें जो शेड्यूलिंग से पहले हमारे पास होनी चाहिए, जिनको हमने कहा जी ये शेड्यूलिंग की इनपुट्स हैं। फिर हमने 4 शेड्यूलिंग स्ट्रेटजीज देखी, 4 शेड्यूलिंग स्ट्रेटजीज। फिर 2 शेड्यूलिंग की टाइप्स देखी, वो 4 स्ट्रेटजीज कौन सी थी, कम्युलेटिव, डिटेल्ड, डिटेल्ड कम्युलेटिव और प्रायोरिटी डिसीजन। उसके बाद हमने शेड्यूलिंग की 2 टाइप्स देखी, फॉरवर्ड शेड्यूलिंग एंड बैकवर्ड शेड्यूलिंग, डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, प्रोडक्शन प्रोसेस पे डिपेंड करता है कि वो फॉरवर्ड शेड्यूलिंग पे बेस कर रहा है या बैकवर्ड पे। अब ये है जी शेड्यूलिंग मेथडोलॉजीज, 3 मेथडोलॉजीज हैं शेड्यूलिंग की, 3 तरीकाकार हैं जो कि आमतौर पर हमारे ऑर्गेनाइजेशंस में यूज होते हैं, चार्ट्स एंड बोर्ड्स, प्रायोरिटी डिसीजन रूल्स और मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग मेथड्स। अब चार्ट एंड बोर्ड्स ये बड़ा कन्वेंशनल तरीकाकार है कोई भी शेड्यूलिंग करने का, कोई भी किसी भी चीज को शो करने का। जिस तरह आपका टाइम टेबल होता है तो अक्सर आपने अपने क्लासरूम्स में उस टाइम टेबल को किसी जगह पे प्लेस किया होता है, किसी जगह पे उसको आपने पेस्ट किया होता है किसी चार्ट की शक्ल में, ठीक है, या किसी बोर्ड के ऊपर बड़ा सा करके, ताकि हर आने जाने वाले हर स्टूडेंट को, हर टीचर को वहाँ से देखकर उसको पता चल जाए कि किस क्या टाइमिंग है क्लास की, आज क्या टाइमिंग है, कल क्या टाइमिंग है। तो इसी तरह ये जो चार्ट्स एंड बोर्ड्स होते हैं ये मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट्स में भी यूज़ होते हैं, वहाँ पे भी बोर्ड बने होते हैं, उसके ऊपर पूरा चार्ट लगा होता है, पूरे हफ्ते का शेड्यूल लगा होता है, या इवन जो मेस होते हैं इनके हॉस्टल्स वगैरह के, यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटीज़ की कैंटीन्स वगैरह पे चले जाएं आप, या हॉस्टल के मेस जो होते हैं वहाँ पे भी एक बड़ा सा वो चार्ट सा लगा होता है जिस पे पूरे हफ्ते का शेड्यूल लगा होता है कि हफ्ते वाले दिन ये पकेगा, इतवार वाले दिन ये चीज़ मिलेगी, सोमवार वाले दिन ये चीज़ मिलेगी। वो शेड्यूलिंग ही है एक्चुअली, और वो शेड्यूलिंग किस तरह हुई हुई है, वो चार्ट्स और बोर्ड्स की मदद से हुई है, ठीक है। अच्छा, अब ये चार्ट्स और बोर्ड्स जो हैं इसमें एक स्पेशल टाइप का चार्ट होता है जिसको हम कहते हैं गैंट चार्ट, GANTT, गैंट चार्ट। गैंट चार्ट्स एंड एसोसिएटेड शेड्यूलिंग बोर्ड्स हैव बीन एक्सटेंसिवली यूज्ड शेड्यूलिंग डिवाइसेस इन द पास्ट। मैंने जैसे शुरू में कहा ये कन्वेंशनल रवायती तरीकाकार है जो कि बड़े अरसे से यूज होता चला आ रहा है, अब भी यूज हो रहा है लेकिन पुराना तरीकाकार है। ऑल्दो मैनी ऑफ द चार्ट्स आर नाउ ड्रॉन बाय कंप्यूटर, जी बिल्कुल, अब बहुत सारे चार्ट्स जो हैं वो हाथ से नहीं बल्कि कंप्यूटर से ड्रा किए जाते हैं। गैंट चार्ट्स आर एक्सट्रीमली इजी टू अंडरस्टैंड एंड कैन क्विकली रिवील द करंट और प्लान्ड सिचुएशन टू ऑल कंसर्न। दे आर यूज इन सेवरल फॉर्म्स, नेमली शेड्यूलिंग और प्रोग्रेस चार्ट विच डिपिक्ट द सीक्वेंशियल शेड्यूल। अब ये गैंट चार्ट जो है ये नाम है, अगर आप कंप्यूटर में जाके गूगल पे सर्च करें गैंट चार्ट जो है तो वो आपको
उसकी डायग्राम नज़र आएगी। अगर आप एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जाके चार्ट्स की टाइप्स में देखें तो वहाँ पे भी आपको गैंट चार्ट मिल जाएगा, जो कि बिल्कुल इजी है और उसको देख के बड़ी आसानी से सारी सिचुएशन समझ आ जाती है। अब वो जो गैंट चार्ट है उनके मुख्तलिफ नाम हैं, जैसे शेड्यूलिंग और प्रोग्रेस चार्ट, जो कि सीक्वेंशियल शेड्यूलिंग के लिए यूज़ होता है। सीक्वेंशियल शेड्यूलिंग जिस तरह आपका टाइम टेबल है कि वो सीक्वेंस में चल रहा है, सुबह 9 बजे से 12 बजे तक या सुबह 8:30 से 12:40 तक, इसी तरह लोड चार्ट होता है विच शो दी वर्क असाइन टू ए ग्रुप ऑफ वर्कर्स और मशीन, जिसमें लोड डिफाइन होता है मशीन्स का और वर्कर्स का, उसको लोड चार्ट कहते हैं। ठीक है कि एक वर्कर है उसका, अगर आपने कभी अपना कॉलेज का जो टाइम टेबल है जो आपकी क्लासरूम में भी लगा हुआ है, उस टाइम टेबल को अगर आप कभी गौर से देखें तो उस बड़े टाइम टेबल के नीचे एक छोटा सा टेबल बना होता है जिसमें आपको जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उनके नाम और उनके आगे उनके नंबर ऑफ पीरियड्स यानी उनका लोड लिखा होता है कि इन टीचर्स के पास हफ्ते के इतने पीरियड हैं, इनके पास हफ्ते के इतने पीरियड हैं। तो वो एक्चुअली क्या है, वो लोड चार्ट है जो कि वर्कर्स का या इसी तरह किसी मशीन्स वगैरह का लोड शो कर रहे हैं। थर्ड जो टाइप होती है चार्ट की वो है रिकॉर्ड ए चार्ट, रिकॉर्ड चार्ट विच आर यूज टू रिकॉर्ड दी एक्चुअल ऑपरेटिंग टाइम्स एंड डिलेज ऑफ वर्कर्स एंड मशीन्स, जिसमें रिकॉर्ड भी रखा जाता है उस सारी चीज़ का कि इस मशीन पे इतना लोड था और इसने एक्चुअली कितना काम परफॉर्म किया, इस वर्कर का इतना लोड था इसने एक्चुअली कितना काम परफॉर्म किया, तो वो रिकॉर्ड चार्ट होता है। तो ये जी सबसे पहला पुराना कन्वेंशनल तरीका है, शेड्यूलिंग शेड्यूलिंग मेथड है जिसमें हम चार्ट्स और बोर्ड्स को यूज़ करते हैं। उसमें चार्ट्स आजकल जो ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं वो कंप्यूटराइज चार्ट यूज़ हो रहे हैं, हाथ से बनाए जाने वाले चार्ट कम यूज़ होते हैं। बहुत सारे ग्राफिक सॉफ्टवेयर हैं, बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जिनमें हम उन चार्ट्स को बड़े अच्छे तरीके से बड़े अच्छे ग्राफिक्स के साथ उसको हम बना के प्रिंट करके अपने उस मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में, उस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कहीं पे भी आवेज़ा कर सकते हैं, ताकि वर्कर्स और सारे जो है उनको पता हो, हर आने जाने वाला वहाँ से देखकर उसको आइडिया हो कि इस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है, किस दिन कितना काम होता है और किस तरह से होता है। सेकंड मेथडोलॉजी है जी, जिसके बारे में अभी ऊपर भी डिस्कशन हुई, प्रायोरिटी डिसीजन रूल, जो कि बिल्कुल सिंपल है, जिसके नाम से ही पता चल रहा है। इसको मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन भी किया था कि प्रायोरिटी वेरी करती है, हमने किस चीज़ को प्रायोरिटी देनी है, हमने कस्टमर को प्रायोरिटी देनी है, हमने ऑर्डर साइज को प्रायोरिटी देनी है। तो ये एक छोटा सा टेबल बना हुआ है जिसमें हमारे पास जो है कुछ प्रायोरिटी डिसीजंस रूल्स दिए हुए हैं जी, ये जरा देखिए, सॉरी जी, ये देखिए जरा, कुछ टेबल बना हुआ है जिसमें कुछ प्रायोरिटी रूल्स दिए हुए हैं कि हम इन प्रायोरिटीज की बेस पर हम डिसीजन ले सकते हैं अपनी शेड्यूलिंग का। FCFS ये बड़े कॉमन है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। EDO अर्लीएस्ट ड्यू डेट, कि जो हमने ड्यू डेट दी हुई है किसी को, हमने दी हुई है फॉर एग्जांपल 10 जून और किसी को 15 जून, तो डेफिनेटली हम शेड्यूलिंग जो करेंगे तो पहले किस टास्क को सामने रखेंगे, अर्लीएस्ट ड्यू डेट वाले को, जिसको हमने परसों का कहा हुआ है कि आप परसों आके हमसे ये चीज ले जाइएगा, तो हम उसको पहले करना शुरू करेंगे, ना कि उसको जिसको हमने एक हफ्ते बाद का टाइम दिया हुआ है। तो डेट इज EDO अर्लीएस्ट ड्यू डेट। LS लीस्ट स्लैक, स्लैक मीन्स टाइम स्पेस, टाइम ड्यू लेस प्रोसेसिंग टाइम। ठीक है, जिस जैसे मैंने कहा था कि अगर कोई छोटा ऑर्डर है या कोई आसान ऑर्डर है, हमें पता है कि इसको करने में कम टाइम लगेगा, तो वो LS यानी लीस्ट स्लैक। SPT शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम, ठीक है, LPT लॉन्गेस्ट प्रोसेसिंग टाइम, PCO प्रेफर्ड कस्टमर ऑर्डर जी, प्रेफर्ड कस्टमर ऑर्डर, जिस तरह मैंने कहा कि हम कस्टमर कोई बहुत पुराना है, बहुत लाडला है, बहुत हमारे लिए ऑनरेबल है, तो हम उसके काम को पहले शुरू कर देते हैं, तो ये PCO हो गया, प्रेफर्ड कस्टमर ऑर्डर। और लास्ट है जी
आरएस रैंडम सिलेक्शन, तो हम रैंडमली सिलेक्ट कर लेते हैं कि तीन चार टास्क हैं परफॉर्म करने के लिए, तीन चार ऑर्डर मिले हुए हैं या तीन चार प्रोडक्ट्स हैं मैन्युफैक्चर होने वाली, तो इसमें से किसी एक को भी यार शुरू कर, दैट इज रैंडम सिलेक्शन। तो ये हो गया जी प्रायोरिटी डिसीजन रूल। थर्ड एंड लास्ट मेथडोलॉजी ऑफ शेड्यूलिंग इज मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग मेथड, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड, जिसमें हम प्रॉपर प्रोग्रामिंग टेक्निक्स को यूज करते हैं, प्रॉपरली मैथमेटिकल फार्मूलाज को यूज करते हुए शेड्यूलिंग करते हैं, जो कि आजकल बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस, मल्टीनेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इनको यूज करते हैं। शेड्यूलिंग इज ए कम्प्लेक्स रिसोर्स एलोकेशन प्रॉब्लम। फर्म्स प्रोसेस कैपेसिटी, लेबर स्किल्स, मटीरियल्स एंड दे सीक टू एलोकेट देयर यूज सो एज टू मैक्सिमाइज अ प्रॉफिट और सर्विस ऑब्जेक्टिव और परहैप्स मीट अ डिमांड वाइल मिनिमाइजिंग कॉस्ट। अब देखें जो बड़ी मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो कि बैच सॉरी कंटिन्यूस और मास प्रोडक्शन करती हैं जो ऑर्गेनाइजेशंस, उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को फोकस रखना होता है, फोकस करके उन्होंने शेड्यूलिंग करनी होती है, जिसमें उन्होंने कैपेसिटी को, अपनी लेबर्स की स्किल को, अपने मटीरियल की अवेलेबिलिटी को, अपनी मशीन्स की परफॉर्मेंस को, उस अपनी मशीन्स की प्रॉपर यूटिलाइजेशन को, ये सारी चीज़ें सामने रख के वो शेड्यूलिंग करते हैं। तो जब आप ये सारी चीज़ें फोकस करते हुए शेड्यूलिंग करते हो, तो फिर आपको किसी ना किसी मैथमेटिकल शेड्यूलिंग टेक्निक को यूज़ करना पड़ता है। तो दो बेसिकली मशहूर मैथमेटिकल टेक्निक्स हैं शेड्यूलिंग की, एक है लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल और एक है पर्ड और सीपीएम। लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल, हेयर ऑल द कॉन्स्टेंट्स एंड ऑब्जेक्टिव फंक्शंस आर फॉर्मुलेटेड एज ए लीनियर इक्वेशन। जी थोड़ा सा आपको पीछे जाना पड़ेगा, आपने बीएसएम यानी लास्ट टाइम आपने जो मैथ का सब्जेक्ट पढ़ा था बीकॉम में ही पढ़ा था, तो वहाँ पे आपको याद हो इक्वेशंस हम पढ़ते थे कि इक्वेशन क्या होती है, एनी एक्सप्रेशन विद इक्वल साइन, यानी जिसमें इक्वल साइन हो, एक ऐसा एक्सप्रेशन, एक ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसमें इक्वल साइन हो, जिसकी दो साइड्स हो, एक लेफ्ट हैंड साइड एक राइट हैंड साइड, तो उसको हम इक्वेशन कहते हैं। फिर अगर आपको याद हो हम उसमें दो तरह की इक्वेशंस पढ़ते थे, लीनियर और क्वाड्रेटिक। तो लीनियर इक्वेशन वो होती थी जिसमें हमारे पास वेरिएबल जो होता था उसकी मैक्सिमम पावर वन होती थी, एक ही वेरिएबल होता था और उसकी मैक्सिमम पावर वन होती थी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो थी जिसमें दो वेरिएबल ज्यादा भी होते थे और वेरिएबल्स की मैक्सिमम पावर टू होती थी। जिस तरह अगर आपको याद हो स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन थी ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। अब इसमें वेरिएबल है एक्स और उसकी मैक्सिमम पावर क्या है वन। और अगर आपको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन याद हो तो वो थी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। अब इसमें ए एक्स स्क्वायर, जरा गौर कीजिए, एक्स वेरिएबल है तो उसकी मैक्सिमम पावर स्क्वायर यानी टू है। तो ये लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल, इसमें हम क्या करते हैं कि हमारे जितने कॉन्स्टेंट्स हैं, जितनी चीजें हैं जिनको हमने शेड्यूल करना है, जिस तरह से कैपेसिटी हो सकती है, लेबर की स्किल्स हैं या मटेरियल की अवेलेबिलिटी है, इन सारी चीजों को हम लीनियर इक्वेशन की शक्ल में लिखते हैं। एंड देन प्रॉब्लम इज सॉल्व फॉर ऑप्टिमली सिंप्लेक्स मेथड, ट्रांसपोर्टेशन मेथड्स एंड असाइनमेंट मेथड्स आर मेजर मेथड्स यूज्ड हियर। ये तीन मेथड्स हैं जी इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल में। इनकी डिटेल में हमने नहीं जाना, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दी नेम्स ऑफ दीज थ्री मेथड्स, सिंप्लेक्स मेथड, ट्रांसपोर्टेशन मेथड एंड असाइनमेंट मेथड, ठीक है। उसके बाद सेकेंड मैथमेटिकल मॉडल है जी पर्ट एंड सीपीएम। पर्ट एंड सीपीएम, पर्ट जो है, पर्ट एब्रीवेशन है जी प्रोग्राम जी जी थोड़ी इसमें प्रॉब्लम आ गई माइक में जी। जी आप ठीक है, सॉरी स्टूडेंट्स, थोड़ा सा यहाँ पे वो है,
प्रॉब्लम आ गई थी। अच्छा, पर्ट और सीपीएम। पर्ट जो है ये भी एक मैथमेटिकल मॉडल है, एक्चुअली एक चार्ट होता है। पर्ट जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का बड़ा इंपॉर्टेंट टूल होता है। तो पर्ट, PERT, ये एक्चुअली एब्रीवेशन है प्रोग्राम एवेल्युएशन रिव्यू टेक्निक। इसको आप यहाँ पे मेंशन कर लीजिए, प्रोग्राम एवेल्युएशन रिव्यू टेक्निक, पर्ट। और CPM होता है क्रिटिकल पाथ मेथड। CPM स्टैंड्स फॉर क्रिटिकल पाथ मेथड। जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है कि ये CPM डायग्राम, एक्चुअली ये देखिए, ये जो पर्ट है और CPM है, ये दोनों मॉडल हैं, यानी ये एक्चुअली चार्ट ही होते हैं, लेकिन ये प्रॉपर मैथमेटिकल चार्ट्स होते हैं जिनमें जो है थोड़ी सी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होती हैं, न्यूमेरिकल काम करना होता है। तो बहरहाल आप इन दोनों के नाम और इनके एब्रीविएशन याद कर लीजिएगा कि पर्ट जो है प्रोग्राम एवेल्यूएशन रिव्यू टेक्निक, CPM क्रिटिकल पाथ मेथड। ये दोनों मॉडल्स हैं, नेटवर्क हैं, जो कि क्या करते हैं, सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस को शो करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट के। जैसे मैंने शुरू में कहा कि ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के टूल है बेसिकली ये दोनों, जो कि किसी भी प्रोजेक्ट के डिफरेंट टूल्स, जो डिफरेंट उसके जो लवाजमात होते हैं, उनको चार्ट की शक्ल में मैथमेटिकल फॉर्म में शो करते हैं। तो ये थे जी हमारे पास शेड्यूलिंग की तीन मेथड्स जो हमने डिस्कस किए, कि आप शेड्यूलिंग को कोई चार्ट्स वगैरह बोर्ड्स की शक्ल में भी कर सकते हैं, उसको प्रायोरिटी डिसीजन रूल्स की के साथ कर सकते हैं, या मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग मेथड्स को यूज़ करते हुए भी शेड्यूलिंग कर सकते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, ये हमारा सेकंड एलिमेंट जो था प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल का, वो कंप्लीट हुआ, जो कि शेड्यूलिंग है, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें थी। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आप जब इसको लेक्चर सुनने के बाद दोबारा खुद से पढ़ेंगे, याद करेंगे, तो उम्मीद है इंशाल्लाह ये मज़ीद आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी, चलें अब ये हमारा प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल कंप्लीट हो गया। हमने प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल में देख लिया उसका एलिमेंट्स, राउटिंग और शेड्यूलिंग को। कुछ इंस्पेक्शन फॉलोअप वगैरह भी होता है, लेकिन उसको भी डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, ये दो एलिमेंट्स ही काफ़ी हैं। चलें जी, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।